अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिसाइड हुआ। कैसा है इसे आपने कल समझा, अब उसका पूरा मैथमेटिक्स, मैथमेटिकली इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे और कैसे इसे फिर आगे यूज करेंगे, तो उसके लिए कुछ हमें डेफिनेशंस लिखनी होंगी। हालांकि वो डेफिनेशंस हमने कल समझ ली है पहले ही। पहली बात तो हमने ये समझा था, ये इस टाइम ये मेरी दोनों उंगलियां क्या है, ये वो लाइन है जिस लाइन के अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है। क्या कहा था इसे हमने, ज्योग्राफिकल एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फर्स्ट हेडिंग ये डालते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, द एक्सिस ऑफ स्फीयर ऑफ अर्थ अबाउट विच द अर्थ रोटेट, द अर्थ सरफेस वेयर दिस एक्सिस पास आर कॉल्ड ज्योग्राफिक पोल्स, ज्योग्राफिक पोल्स दैट इज ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल। नेक्स्ट हेडिंग, ज्योग्राफिक इक्वेटर एंड इक्वेटोरियल प्लेन। अब ज्योग्राफिक इक्वेटर और इक्वेटोरियल प्लेन क्या है, ये आपके सामने अर्थ, अर्थ का स्फीयर और अर्थ के सेंटर से, यानी एक ऐसी लाइन जो अर्थ को दो पार्ट में बांट दे। हालांकि कोई ऐसी लाइन है नहीं अर्थ पर, इमेजिनरी लाइन है ये। तो ये लाइन जिसने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर हेमिस्फीयर लोअर हेमिस्फीयर, नॉर्थ की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर, ये इक्वेटोरियल लाइन भी। अब एक प्लेन, ये मेरा हाथ मैंने यहां लगा लिया, ये प्लेन पूरा जो इस इक्वेटोरियल लाइन से पास हो जाए और दूसरी तरफ भी निकल जाए, ये प्लेन। अब ये जो प्लेन मेरे दोनों हाथों में बना हुआ है, ये प्लेन है इक्वेटोरियल प्लेन। एक ऐसा प्लेन जो अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में काट दे, ये तो लाइन है, सिर्फ लाइन नहीं, आप इमेजिन कीजिए पास होता हुआ जा रहा है, यहां से ये प्लेन और दूसरी तरफ पास होते हुए यहां तक निकल गया है। तो ये जो मेरे हाथ है इस समय, ये कौन सा क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, लिखिए। एक बात और ध्यान रखना, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है ये अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर है। देखो यहां ध्यान से आप, ये अर्थ सरफेस, यहां अर्थ सरफेस और अर्थ सरफेस के एग्जैक्टली क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इक्वेटोरियल प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, अर्थ सरफेस। इसके आगे अभी हम एक और प्लेन करेंगे, लेकिन जो भी हम प्लेन लिखेंगे वो परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस ही है। ठीक है, लिखिए इसे कि अलाइन दैट डिवाइड अर्थ इंटू टू हेमिस्फियर्स ज्योग्राफिकली एंड द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ परपेंडिकुलर ज्योग्राफिक एक्सिस। अलोंग ज्योग्राफिक इक्वेटर दैट डिवाइड अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टूवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड सदर्न हेमिस्फीयर टूवर्ड्स साउथ पोल। नेक्स्ट, मैग्नेटिक एक्सिस, द एक्सिस ऑफ मैग्नेट इफ अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी अ लार्ज मैग्नेट, दैट इज अ लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट,
मैग्नेटिक इक्वेटर एंड मैग्नेटिक इक्विटोरियल प्लेन. A line passing through center of earth, a line passing through center of earth that divide earth into magnetic hemispheres, that divide into magnetic hemispheres. Magnetic equator and the plane passing through magnetic equator and the plane perpendicular to earth surface passing through magnetic equator is magnetic equatorial plane. Equator na geographical na magnetic center se pass nahi kar rahe lekin equatorial plane jo hoga ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन भी और मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन भी ये सेंटर से पास करेगा. क्या लिखवाया पासिंग टू सेंटर ऑफ अर्थ नहीं, अलाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अलाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो लाइन सेंटर ऑफ अर्थ था उसे हटा लीजिए. अलाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इक्वेटर दोनों में से कोई भी सेंटर से पास नहीं होती लेकिन इक्वेटोरियल प्लेन दोनों ही इक्वेटोरियल प्लेन सेंटर से पास होते हैं. ठीक है, अब एक नया वर्ड समझना इसे ध्यान से. एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है? देखो ये इस टाइम मेरी उंगलियां दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है. ये इस टाइम ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है मेरी दोनों उंगलियां. ठीक है, जहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उसके पास में ज्योग्राफिकल साउथ मैग्नेटिक साउथ है, जहां ज्योग्राफिकल साउथ है उसके पास मैग्नेटिक नॉर्थ है. अब मैग्नेटिक साउथ से पास होने वाली एक ये एक्सिस हो गई. इस एक्सिस को क्या लिखा हमने? मैग्नेटिक एक्सिस. ठीक है, यहां आपके डायग्राम में वो दोनों ही एक्सिस बनी हुई है. यहां डायग्राम में दोनों ही एक्सिस आपकी बनी हुई है. ये कौन सी है? एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ये वाली कौन सी है? मैग्नेटिक एक्सिस है. दोनों अलग अलग है. इन दोनों के बीच का ये एंगल ये कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अगर आप ये लें, ये रेड वाली जो सर्किल बनाया है इस सर्किल से पास होने वाला प्लेन कहा जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन. जो ब्लू वाला सर्किल बनाया है इस सर्किल से पास होने वाला प्लेन कहा जाएगा मैग्नेटिक इक्विटोरियल प्लेन, है ना. इन दोनों के बीच में भी देखिए, मैं एक रेडियस यहां ड्रॉ कर रहा हूं, एक रेडियस ये रही और एक रेडियस मैंने ड्रॉ करी कहां? ब्लू वाले सर्किल पर. इन दोनों के बीच का एंगल भी वही होगा जो आपके एक्सिस के बीच का एंगल है. वो एंगल होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच. वही एंगल किस किस के बीच में है? आपका ज्योग्राफिक इक्वेटोरियल प्लेन और मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन के बीच में. ठीक है, इन दोनों ही एंगल क्या है? ये दोनों ही एंगल एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है. एक वर्ड और आएगा उसे आगे डिस्कस करेंगे. हेडिंग डालिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, DECLINATION. द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस और द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक इक्वेटोरियल प्लेन एंड मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन और द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. The angle between geographic meridian and magnetic meridian. अब यहां वर्ड आया नया meridian. Meridian. ठीक है, ध्यान से समझना क्योंकि आगे सारी चीजें इस meridian पर ही समझ आएंगी आपको. ये अर्थ
और ये रेड लाइन है ज्योग्राफिक इक्वेटर, और ये एक प्लेन आपने यहां कंसीडर किया, एक कागज, एक प्लेन इस अर्थ को चीरता हुआ काटता हुआ बाहर जा रहा है दूसरी साइड तक अलोंग ज्योग्राफिक इक्वेटर, तो ये आपका ज्योग्राफिक इक्वेटोरियल प्लेन बना, ज्योग्राफिक इक्वेटोरियल प्लेन। ध्यान दीजिए ये जो प्लेन है ये अर्थ सरफेस से कैसा है, परपेंडिकुलर है, और कहां से पास होगा, जब इसे पूरा आर पार लेंगे तो ये अर्थ के सेंटर से पास हो जाना है, ठीक है, समझे बात। इक्विटोरियल प्लेन परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस है और कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ से पास हो रहा है, इस तरह से कि इसने अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में तोड़ दिया। अब ध्यान दीजिएगा ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन इस टाइम मेरे ये उंगलियां कौन सी एक्सिस है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, राइट। बहुत ध्यान से समझना, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है ज्योग्राफिक एक्सिस। अब मैंने ये एक प्लेन यहां ऐसे मैंने अपना हाथ लगा लिया एग्जैक्टली अबाउट ज्योग्राफिक एक्सिस, एग्जैक्टली अबाउट ज्योग्राफिक एक्सिस, ये अगर मैं यहां से देखूं तो ये ज्योग्राफिक एक्सिस मेरे इस हाथ के नीचे दब गई है, लेकिन कैसा है अब भी देखना जरा ध्यान से, ये जो मैंने हाथ अपना लगाया है अब भी ये अर्थ सरफेस से कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेकिन ये प्लेन कहां से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, ये अगर इसको आर पार ले जाऊंगा तो ये ज्योग्राफिक एक्सिस, ये ज्योग्राफिक एक्सिस से मेरा प्लेन पास हो रहा है, दोनों साइड किससे पास हो रहा है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस, बिल्कुल ज्योग्राफिक एक्सिस के ऊपर मैंने प्लेन बना लिया, परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस है लेकिन ज्योग्राफिक एक्सिस से पास हो रहा है, यहां बन सकता है, थोड़ा मैं इसे यहां घुमा दूं, यहां भी बन सकता है, तो ऐसे कितने प्लेन हो सकते हैं जो कि अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर हो और ज्योग्राफिक एक्सिस से पास हो, लाखों, जबकि इक्वेटोरियल प्लेन एक ही है सिर्फ, क्योंकि ये तो स्पेसिफिकली आपने कहा कि दो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में पार्ट कर रहा है इक्वल हाउस में, यहां लेकिन ये भी इक्वल हाउस में पास कर रहा है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं कौन सा हाफ बन रहा है, तो ये जो प्लेन है कौन सा प्लेन, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस, ये प्लेन आपका कहलाता है ज्योग्राफिक मेरिडियन। कितने हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, यहां हम यहां बैठे हुए हैं, यहां हम बैठे हुए हैं, ये मेरा सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ है, और ये मैंने ऐसे अपनी बुक ये ऐसे खड़ी कर लिया, तो अब ये जो बुक है ठीक इसके नीचे क्या है, ज्योग्राफिक एक्सिस है और अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअली इस टाइम ये बुक ही क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है। आप कहीं और जाएंगे वहां आप एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ, कौन से वाले नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ में आप अपना प्लेन बना लीजिए, एक दीवार खड़ी कर दीजिए अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर, तो फिर क्या बन गई है, ये बन गया आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब इसके जैसा ही मैग्नेटिक एक्सिस है, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, वो क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन, समझ रहे हो, ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होने वाला प्लेन जो अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर है, एक दीवार खड़ी कर दी आपने एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जो एग्जैक्ट नॉर्थ और एग्जैक्ट साउथ की तरफ को हो, बस ये दीवार ही क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है, और अगर आपने नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक देख करके उसके डायरेक्शन में खड़ी कर दी एक दीवार, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, लिखिए ज्योग्राफिक मेरिडियन, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस। नेक्स्ट मैग्नेटिक मेरिडियन बात है, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। इससे पहले हमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या कहा था, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस के ऊपर कौन है, ज्योग्राफिक प्लेन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर कौन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, तो सिंपल सी बात है ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल भी क्या है, वही है जो एंगल एक्सिस के बीच का, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ओके, ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस,
उसके अलग रीजंस हैं, फिलहाल हम वहां नहीं जाएंगे, फिक्स नहीं है, ऑलमोस्ट सेम रहता है लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, बहुत ध्यान से आप आंसर दीजिएगा, बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा, कल वाले ही चीज को हम आगे समझ रहे हैं, कल वाले ही फिनोमिनन को आगे समझ रहे हैं, लेकिन अब एक मैथमेटिकल टर्म्स की फॉर्म में। आपने कहा कि ये एक आपकी मैग्नेटिक निडिल है, इस मैग्नेटिक निडिल को आपने यहाँ सस्पेंड कर दिया, यहाँ इस हॉल में जहां हम हैं, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो इसका जो नॉर्थ है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा, मैग्नेटिक निडिल का नॉर्थ, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो जमीन की तरफ होगा, और मैग्नेटिक निडिल का साउथ आसमान की तरफ होगा। ओके, सवाल मेरा आपसे कि ये किस प्लेन में आकर के रुकेगी, ये यहां रुक गई, ये किस प्लेन में आकर के रुकेगी। तीनों आंसर डिफरेंट है, ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक ने कहा इक्वेटोरियल प्लेन ज्योग्राफिक, और एक ने कहा मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए, ये मैग्नेटिक निडिल है, इसे अर्थ की, सन की, मून की, मेरी आपकी ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं है, इसे नहीं पता ज्योग्राफी क्या है, इसे नहीं पता ज्योग्राफिक नॉर्थ कहाँ है, ज्योग्राफिक साउथ कहाँ है, इसे कुछ नहीं पता। ये तो भक्त है केवल मैग्नेटिक फील्ड की, इसे तो केवल मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ दिखाई देते हैं, और कुछ दिखाई देता इसको, तो सिंपल सी बात है, ये कहां रुकेगी, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की तरफ को, यानी मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर। और अगर मैं इस ऐसे रुकी हुई और यहां मैं एक प्लेन ड्राइव कर लूं, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर प्लेन होगा, कौन सी, मैग्नेटिक मेरिडियन। इक्विटोरियल प्लेन पे तो चाहे कि नहीं, कि इक्विटोरियल प्लेन का तो मतलब पर बिल्कुल ही 90 डिग्री पहुंचा दिया आपने इसको। तो एक मैग्नेटिक निडिल, एक मैग्नेटिक निडिल विच इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एज वेल एज वर्टिकल प्लेन, इट रेस्ट इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, अब क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसका नॉर्थ पोल नीचे की तरफ झुका हुआ है, साउथ पोल आसमान की तरफ है। अब यहां से आप कंसीडर कीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है अर्थ सरफेस के पैरेलल। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना एंगल नीचे झुक गई है, जितना एंगल ये नीचे झुक गई, कहीं भी देखो, आप अर्थ पर कहीं भी हो, मैग्नेटिक निडिल हमेशा रुकेगी मैग्नेटिक मेरिडियन पे आकर, क्योंकि उसे मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ दिखाई देता है, उससे कोई मतलब नहीं और किस चीज का। ये तो इत्तेफाक की बात है कि आज जब हम इतने सिविलाइज्ड हुए हैं कि इन चीजों को समझ पाए, तो ज्योग्राफिक पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स आसपास ही हैं बिल्कुल, लेकिन अगर अब से 2, 4, 10, 20 करोड़ साल पहले हम ये क्लास ले रहे होते, तो बिल्कुल डिफरेंट थे दोनों पोल्स। ये ज्योग्राफिक पोल्स तो वही थे जो आज है, लेकिन मैग्नेटिक पोल्स उससे बहुत ज्यादा अलग थे, तब हम अलग ही डायरेक्शन में, तब हम इस मैग्नेटिक निडिल को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज नहीं कर सकते थे। ये तो अच्छी बात है कि हमारे लिए आज वो कंडीशन बन रही है। तो इसे कहां रुकना है, मैग्नेटिक मेरिडियन में रुकना है, इसे मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाई दे रहे हैं। जितना ये हॉरिजॉन्टल से नीचे झुक जाए, कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी आप खड़े हुए हैं, जितना ही नीचे झुक जाए, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, या इसका एक और नाम है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन मेरिडियंस के बीच का एंगल, इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड हो गई ना, ये सिंपल सी बात है, इंक्लाइंड हो गई, तिरछी हो गई। तो ये जितना हॉरिजॉन्टल से नीचे झुक गई, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इतनी बात समझ आई, क्लियर है इतनी बात। अब आपसे दो सवाल, देखते हैं कौन इस इंक्लिनेशन को समझ पाया सही तरीके से। आपके दो सवाल, आप एग्जैक्टली मैग्नेटिक पोल पर खड़े हुए हैं। पहला सवाल कि अब यहां एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है। दूसरा सवाल कि आप एग्जैक्टली मैग्नेटिक इक्वेटर पर खड़े हुए हैं, तो अब यहां एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा। रिजरेंट्स,
अगर आप एग्जैक्टली पोल पोल पर है, मैग्नेटिक पोल पर है अगर आप एग्जैक्टली, तो आपका जो मैग्नेटिक निडल की पोजीशन है ये वर्टिकली वर्टिकल स्टैंड अप हो गई है बिल्कुल। और अब आपने एंगल ऑफ डिप क्या करना है, एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट करना है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना नीचे झुकी, 90 झुक गई, तो कितना हुआ एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एग्जैक्ट 90। लेकिन जब आप इक्वेटर पर है तो ये कैसी है, बिल्कुल पैरेलल टू अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस के पैरेलल ही आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई है, तो दोनों के बीच अब कितना एंगल है, जीरो एंगल है। तो जब आप पोल्स पर है तो 90 डिग्री, और इक्वेटर पर है तो एंगल ऑफ डिप कितना है, जीरो। और ये दसियों बार एग्जाम में आ चुका है, सिर्फ यही इतना सा क्वेश्चन, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन कि एंगल ऑफ डिप क्या है पोल्स पर, एंगल ऑफ डिप क्या है इक्वेटर पर। याद रखिएगा, जब इस क्वेश्चन में कहा जाए पोल, तो हम ज्योग्राफिक पोल और मैग्नेटिक पोल एक ही ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इनमें, बहुत बड़ा भाई, अर्थ तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, अर्थ की रेडियस कितनी, 6400 किलोमीटर, उसके मुकाबले में 10-20 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। तो हम इनको दोनों को नॉर्मली एक ही जगह ले लेते हैं। तो अगर आपको सामने लिखा जाए पोल, पोल पर कितना है 90, इक्वेटर पर कितना है 0 डिग्री से, क्योंकि वहां बिल्कुल पैरेलल टू अर्थ सरफेस हो गई। ओके, अब थोड़ी सी बात और समझें। देखो ये आपने यहां सस्पेंड करी फ्रीली, और ये ऐसे यहां आकर के रुक गई, ऐसे यहां आकर के रुक गई, तो एक्चुअली ये कहां रुक रही है, ये यहां क्यों रुक रही है, सीधी सी बात पहले तो बात होगी, ये रुक क्यों रही है यहां, क्योंकि ये अपने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल बनाकर रखती है हमेशा, अगर ये फ्री है रोटेट होने करने के लिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो एक्चुअल में क्या है एंगल ऑफ डिप, कि हॉरिजॉन्टल लाइन से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की डायरेक्शन है, इनके बीच में एंगल ऑफ डिप है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही कौन रुकता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक निडल अपने आप को रोकती है। ठीक है, लिखते हैं दोनों बातें इकट्ठे लिखेंगे, द एंगल मेड बाय बीई वेक्टर कैपिटल बी सफिक्स में ई वेक्टर, और ब्रैकेट में लिख लीजिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, और द एंगल मेड बाय फ्रीली सस्पेंडेड एंगल मेड बाय फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल विद द हॉरिजॉन्टल नेक्स्ट लाइन से लिखिए, एट पोल्स एंगल ऑफ डिप इक्वल्स 90 डिग्री, एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप इज जीरो। अब सवाल आपसे कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचे, तो इस एंगल ऑफ डिप में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, क्या चेंज आएगा। आप कन्याकुमारी थे, आपने एंगल ऑफ डिप मेजर करा, फिर आप कश्मीर पहुंच गए, तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप पोल्स के पास जा रहे हैं तो और ज्यादा झुकती चली जाएगी। सिंपल सी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि एंगल ऑफ डिप कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या चेंज होगा। ठीक है, ज्योग्राफी भी चाहिए थोड़ी बहुत, लिख लीजिए इसे भी, एंगल ऑफ डिप इंक्रीजेस फ्रॉम केरल टू कश्मीर। मैंने ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाई है, सामने ज्योग्राफिक नॉर्थ है, पीछे ज्योग्राफिक साउथ है, और ये प्लेन परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस अलोंग ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक नॉर्थ से जरा ऐसा सा हट करके मैग्नेटिक साउथ है, तो मैंने इसके कुछ ये पेज खोल लिए ऐसे। ठीक है, इधर से खोलना भी ऐसे पढ़ लो। अब देखिएगा ध्यान से, ये चलो ऐसे पकड़ के रखो, ये सामने सामने हो जाएंगे बिल्कुल। ये देखिए ध्यान से,
मगर मुझे एक हाथ तो चाहिए फ्री। ये वाली प्लेन, ये प्लेन मेरा कैसा है, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, क्योंकि ये ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ में जा रहा है। और फिर ये मैंने जो पकड़ा है, ये वाला मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ पे जा रहा है, तो ये वाला कौन सा प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल क्या है, इन दोनों के प्लेन्स के बीच का एंगल है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। अब यहां देखना जरा ध्यान से, चलो ए, इसको हम ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे देखते हैं यहां से। तो ए, ये वाला, ये प्लेन तो ज्योग्राफिक मेरिडियन है और मैंने ए इसको सीधे पकड़ा है, तो ये वाला प्लेन मेरा कौन सा है, मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये इन दोनों के बीच का एंगल है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, अब इसको मैं उठा करके यहां से बंद कर देता हूं बस। ये मेरा ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसके इधर वाले पार्ट मैंने हटा दिए, ठीक है। बैठिए प्लीज, थैंक यू। ये हमारे दोनों क्या बन गए, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच का ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। अब ध्यान से फिर मैं एक सवाल पूछने वाला हूं। ये आपने फ्रीली सस्पेंड किया एक मैग्नेटिक नीडल को, यहां सस्पेंड किया मैग्नेटिक नीडल को आपने फ्रीली, तो अब ये किस मेरिडियन, किस प्लेन में आकर रुकेगी, ये कहां आकर रुकेगी, ये यहां आकर रुकेगी या यहां रुकेगी। ये वाला कौन सा प्लेन बताया, ज्योग्राफी, ये कौन सा प्लेन है, मैग्नेटिक। तो सीधी बात है, इसे ज्योग्राफी से मतलब ही नहीं है। तो अब हम अगर प्लेन पर इसे ले लें तो ये यहां आकर रुकने वाली है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस प्लेस, यहां इस जगह मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात ये। तो अब इस, देखिए इस खुली हुई किताब को, इस खुली हुई किताब को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। इसका सिंपल सा डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है, लेकिन नया सा डायग्राम है ये, इसलिए आपको दोनों मेरिडियन हमने यहां ड्रॉ करने हैं और मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन भी ड्रॉ करनी है, दोनों मेरिडियन भी ड्रॉ करने हैं और मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन भी ड्रॉ करनी है। ये बनाया है मैंने कौन सा, मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसके पीछे ये क्या बनाया है, ज्योग्राफिक मेरिडियन, दोनों के बीच का एंगल थीटा। समझ रहे, खुली हुई किताब सी हो गई नहीं ये। और जो मैग्नेटिक नीडल है वो कहां आकर के रुकनी है, मैग्नेटिक नीडल तो आकर रुकनी है किसमें, मैग्नेटिक मेरिडियन में। ये अगर मेरी मैग्नेटिक नीडल है तो ये बन गया, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इसका नॉर्थ पोल डाउनवर्ड्स, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में होते तो साउथ पोल डाउनवर्ड्स, ठीक है। और ये मैग्नेटिक नीडल एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैग्नेटिक नीडल रिप्रेजेंट कर रही है रियल में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बी वेक्टर, क्योंकि इसे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही रुकना है। जितना ये झुक गई नीचे की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का ये एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन और मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के बीच का ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डेल्टा, ठीक है। ये कौन सा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका जा रहा है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ। ये किधर जा रहा है, टूवर्ड्स मैग्नेटिक साउथ। तो फिर ये वाला प्लेन क्या कहलाया जाएगा, ये प्लेन कहा जाएगा आपका क्या, ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये प्लेन क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा
मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, अब ये आपका कुल मिलाकर के अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ये एंगल थीटा, यहाँ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, एंगल डेल्टा, यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है।